मेरे तो छोरा लगाया, मैं तो गरीब आदमी लगाया, मैं तो नहीं दियांगा। मेरे गांव में 45 बंदे रिसालिया खेड़ा में नौकरी लगी है, अब भी लगी है, और गरीब घर के बंदे लगे हैं। पहले घर नौकरी लगते थे मेरे गांव में जिनकी सिफारिश होती थी या जिनके पास पैसा होता था, अब मेरे गांव में वो बंदे लगते हैं जो पढ़ के लगते हैं गरीब घर में, और कम से कम 250 बंदे इस गवर्नमेंट में नौकरी लग चुके हैं। बताओ और उस समय क्या काम चाहिए सर? हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS, वहीं प्रदेश ने भी हमने 9.5 साल में जो काम किए याद करना बहुत जरूरी है। आज हमारे समय से पहले इस प्रदेश के अंदर नौकरियां बिकती थी, नौकरियों के रेट लगते थे, या अपने भाई भतीजे, क्योंकि यहाँ के राज करने वाले लोग तो पहले भी आए हैं, उन्होंने नौकरियां दी हैं, तो अपने वही 500-700 परिवार, 1000 परिवार होंगे, उन 1000 परिवारों से बाहर निकलते नहीं थे, चाहे वो सांसद का परिवार हो, MLA का परिवार हो, मंत्री का परिवार हो, या उनके चहेतों के परिवार हो, ढूंढते थे, पर्ची आती थी, नहीं तो अपने MLA को बांटते थे, चलो भाई 5-5 नौकरियां तुम ले लो, इस प्रकार से बटाई होती थी। हमने आने के बाद योग्य उम्मीदवार है वो सरकारी नौकरी पर जाएगा, उसके बिना हम किसी को भेदभाव को नहीं मानेंगे। आज मैं जिन गांव में जा रहा हूं, हर गांव में कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 100 ये नौकरियां लगी है, कोई पैसा नहीं लगा। भाइयों, अगर किसी का कोई पैसा लगा हो बताओ, ना लगा हो तो मेरी बात का समर्थन करो। किसी का कोई पैसा लगा नौकरी में कहीं? कोई लगा क्या? बहुत गांव में इस सिरसा जिले के गिना सकता हूं जहां 50-50, 60-60 लोगों की नौकरियां लगी। रिसालिया खेड़ा में बता रहे कि 250 नौकरी लगी है, बिना किसी सिफारिश के, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। एक गांव का नाम आप चेक कर सकते हो जाकर के। भाइयों,